व्यक्ति चाहता है कि मैंने जो पैसा कमाया है वो बढ़ना चाहिए, उसका ग्रोथ होना चाहिए, उससे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। अब हमारे सामने जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आता बैंक FDs, बैंक में इन्वेस्ट करो, रियल इस्टेट आते हैं, फिर कॉरपोरेट बॉन्ड्स है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, शेयर्स है, ब्लू चिप कंपनीज है या स्टॉक्स है, शेयर्स है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। बैंक में इतना रिटर्न नहीं मिलता है, बैंक में 5-6% रिटर्न मिलता है। आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड और ब्लू चिप स्टॉक्स जो है कंपनी जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी इससे भी ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है यदि आप थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं, और वो है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्टअप्स कंपनीज में इन्वेस्ट करना। आपने नाम सुना होगा फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, जो कंपनी जब शुरू हुई थी तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था और आज वो इन्वेस्टमेंट कहीं कहाँ कहीं हो गया, कितना मल्टीपल टाइम्स हो गया पता ही नहीं। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि मैंने जो पैसा डाला हुआ है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, तो आप जो नई नई कंपनियाँ स्टार्टअप्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप कंपनी क्या होती है? स्टार्टअप कंपनी होती है कि कोई लोग, कोई एंटरप्रेन्योर्स नई आइडिया लेके आते हैं, वो नई आइडिया क्रिएट करते हैं, बोलते हैं कि हमने ऐसी ऐसी कंपनी स्थापन की है और ये हमारी नई आइडिया है, ये हम नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, और वो लोगों से उसके लिए पैसा मांगते हैं। अब होता क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आइडियाज़ हैं, तो हमने उसमें इन्वेस्ट करना है, पैसा हमारा लगाने का है। जैसे हम SBI में लगाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, HDFC बैंक में लगाएंगे, वैसा ये कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट करना है। जैसी जैसी वो कंपनी बड़ी बड़ी होती जाएंगी वैसा वैसा हमारा पैसा भी बढ़ता जाएगा। अब अभी तक क्या था, अभी तक लोगों का ऐसा था कि बहुत बड़ी अमाउंट लगती थी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। आप शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक में कितना पैसा मांगते हो, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, ऐसा पैसा मांगते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर्वसामान्य आदमी की, कि जो 5,000, 10,000, 15,000 इन्वेस्ट करने को तैयार है, और जो अपने इन्वेस्टमेंट में 25-30% बल्कि ज़्यादा एनुअली रिटर्न चाहता है। 25-30% रिटर्न मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया। स्टार्टअप में आपको कभी कभी 25-30% नहीं ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, मगर उसके लिए थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी। आपका इन्वेस्टमेंट यदि पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट यदि 1 लाख रुपए का है टोटल, मतलब बैंक, FDs, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, सब 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 मिला के आपका 1 लाख का समझो इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें से आपने 10,000 स्टार्टअप में डालना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्टअप में आप पैसा डालते हो तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो कंपनी टोटली फेल हो सकती है, टोटली बंद हो सकती है, मगर ये प्रमाण बहुत कम है। अभी ऐसा होता है, समझो आपने 10 कंपनीज में पैसा डाला, 10,000 रुपये डाल दिया, 1 लाख रुपये हो गया, हो सकता है कि उसमें की 3-4 कंपनी डूब गई, 6 बची, मगर 6 कंपनीज का पैसा अपना इतना बढ़ जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो डूब गया पैसा उसे भी कई गुना ज़्यादा, और ये कम से कम 3-5 साल आपको रखना होगा। और मेरा ऐसा विश्वास है, मैं ऐसा आपको बोलता हूँ मेरे अनुभव से, कि आप इसमें पैसा डाल के आपका पैसा 3-5 साल में डबल कर सकते हैं। ग्रोथ 91 ये कंपनी है, ये कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, ये कंपनी अच्छे मतलब एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स, ये लोगों ने चालू की हुई है। मैं भी ये कंपनी से जुड़ा हूँ, और ये कंपनी क्या करती है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म देती है। प्लेटफॉर्म काय के लिए देती है कि भाई आपने कंपनी चालू की है, स्टार्टअप है, आप आ जाओ, वो आके बता दे कि हमको भाई 50 लाख होना, 1 करोड़ होना, ठीक है। ये कंपनी ग्रोथ 91 उसका स्टडी करती है, ड्यू डिलीजेंस करती है कि कंपनी ठीक है क्या, पैसे देना अच्छा है कि नहीं है, वायबल प्रोजेक्ट है कि नहीं, सब स्टडी करके फिर वो लिस्ट करती है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि भाई ये कंपनी 50 लाख मांग रही है, और जिसको जिसको देने की इच्छा है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर कोई 5,000, 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, अपने अपने हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करो। सब ऑनलाइन होता है, डिजिटली होता है, आपको कहीं जाने जाने की गरज नहीं है, ज़रूरत नहीं है, और आपको आपके मोबाइल से भी ये इन्वेस्टमेंट संभव है। तो ग्रोथ 91 क्या है? ग्रोथ 91 भी स्टार्टअप है, आप ग्रोथ 91 ये कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कंपनी का जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इसमें जो 10 कंपनी 50 कंपनी आ रही है और पैसा मांग रही है कि हमको इन्वेस्ट करो, हमारे में इन्वेस्ट करो, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नीचे दिए हुए लिंक पर, वेबसाइट पर आप क्लिक करके ग्रोथ 91 के बारे में जानकारी लो। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर भी आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% इन्वेस्टमेंट जो है, 10% वो आपने डेफिनेटली स्टार्टअप में डालना चाहिए।
जैसा मैं हरदम बोलता हूँ कि 10% आपका क्रिप्टो में भी होना चाहिए। अब ये सब रिस्की है, मगर रिस्क नहीं लेगा तो काम नहीं होगा। और रिस्क उतनी लेना है जो आप बचा सकते हैं। स्टार्टअप में पूरा का पूरा पैसा डूबने वाला नहीं है। आप समझ के चलो कि बुरा का बुरे से बुरा ऐसा हो गया, 10 में से 3 कंपनी तो इतना अच्छा करेगी, इतना अच्छा करेगी, आपकी पूरी कसर निकल जाएगी। आपको 25-30% तो कहीं गया ही नहीं। अभी तक मैंने जो इन्वेस्ट किया हुआ है स्टार्टअप कंपनी में, उसमें मुझे 25 से 26% रिटर्न मिला हुआ है पिछले 2-3 साल में। तो मैं आपको ये एक रिकमेंड कर रहा हूँ, मगर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा। ये कोई मतलब एडवाइस नहीं, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।